लड़के, मैं तुम्हें नन्ही बालिके नजर आ रही हूँ। भारत माता हूँ मैं, भारत माता, भारत माता, भारत माता। तुम्हारे भारत माता होने से क्या फायदा जब मेरे सैनिक पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो लो, खुद ही देख लो। डर गई ना? मैं हूँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, चिकन के पानी से होते हैं। मेरा नाम है अस्थमा, दमा और खांसी, जो किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो देखो भारत माता, मेरे सैनिक कैसे दुनिया में आतंक मचा रहे हैं और इसके लिए तो मेरे को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो लो, खुद ही देख लो। अरे अरे रुको रुको बहन, क्या कर दिया? क्या हुआ? यहाँ कचरा फैलाया जबकि पास में ही डस्टबिन है। पहले से यहाँ इतने सारे कचरे पड़े हैं, हमने एक डाला तो क्या हुआ? डस्टबिन में कौन डालने जाए? अरे भारत एक देश के नागरिक को, भारत देश के जागरूक बनो। पहले जाके नागरिकों को जागरूक बना फिर हमें बनाना। हाँ हाँ, पहले अपना देखो। अरे तुम भी तो भारत देश के ही नागरिक हो, तुम जागरूक होगे तभी तो संगठन जागरूक होगा। बस बहुत हुआ आपका भाषण, जाइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं, ना ही आपके भाषणों। चलो हटो, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो भारत माता, मेरे सैनिक कैसे तुम्हारे जनमानस पर पूरा अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ के नागरिक खुद ही कचरा फैलाते हैं और खुद ही स्वच्छता की बातें करते हैं। और मैंने तो यह भी सुना है कि यहाँ की सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। अरे क्या स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे ढोंग हो रहा है, ढोंग। मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो लो, इसकी भी एक झलक तुम स्वयं देख लो। रोज रोज कचरा फैला देते हैं, सुबह शाम तक बस झाड़ते रहो झाड़ते रहो। अरे वाह, भारत में तो स्वच्छता अभियान चल रहा है, एक सेल्फी तो बनती है। एक्सक्यूज मी भैया, जरा झाड़ू मिलेगी क्या? पहले अपनी झाड़ू। अरे वो फोटो लेनी है एक मेरे को। कल भी एक मैडम आई थी, तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में हमारी झाड़ू भी ले गई। अरे एक सेल्फी तो लेनी है, थोड़ी झाड़ू दे दो अपनी। पहले झाड़ू 30 रुपए की मिलती थी, अब वही झाड़ू 100 रुपए की मिलती है। ऊपर से मेरी तनख्वाह है 500, अब इसमें बच्चों को देखूं कि झाड़ू ही खरीदती रहूं। अरे बस बस, बांसर सुनाने के लिए नहीं बोला था, झाड़ू ही मांगा था। रहने दो, रख लो अपनी झाड़ू। अजीब लोग हैं, झाड़ू भी ले जाते हैं और गालियां भी ले जाते हैं। तो देखो भारत माता, कैसे मेरा आतंक तुम्हारी इस दुनिया में फैल चुका है। और मैंने तो यह भी सुना है कि यहाँ के भारतवासी गंगा को अपनी माता बोलते हैं और उसी गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो ये भी तुम खुद ही देख लो। अरे मैं भी ना, मैंने पूरा हरिद्वार घूम लिया, बस ये गंगा नहाना बाकी है। मैंने सुना है गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब इतनी दूर आई हूँ तो गंगा स्नान तो कर ही लूँ। जय गंगा माई, जय गंगा माई, जय गंगा माई। मैंने अपने साथ कुछ पूजन की सामग्री लाई थी इस गंगा नदी में विसर्जन के लिए, तो
पर कहाँ फेंकूं कहाँ फेंकूं। क्या हुआ बहन? भाई मैं अपने साथ गंगा नदी में कुछ पूजन सामग्री लाई थी विसर्जित करने के लिए, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ फेंकूं। अच्छा, ये पूजा की सामग्री है? जी हाँ। तो बिल्कुल आप इसे गंगा में ही फेंकिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि पूजा की सामग्री गंगा में फेंकने से बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए आप इसे गंगा में ही फेंकिए। जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसी से गंगा नदी में फेंक देती हूँ। जय गंगा माई, जय गंगा माई। तो देखो भारत माता, कैसे तुम्हारी गंगा अपवित्र है और तुम्हारी गंगा इतनी अपवित्र तुम्हारे देशवासियों ने कर दी है कि ये उसकी स्वयं क्यों अपने स्वयं की अस्तित्व में नहीं रह गई है और ऐसी तुम्हारी गंगा विलाप करती रहेगी। मैं नहीं मानती, नहीं मानती तो लो खुद ही देख लो अपनी गंगा को। जी हाँ, मैं हूँ गंगा, गंगा मैया मोक्ष दायिनी, पापों को हरने वाली दयामयी कष्ट निवारिणी। कहते हैं मेरे दर्शन मात्र से प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है, सदियों मेरी जलधाराएं भारतवर्ष में रहने वाले जनमानस को तृप्त करती है, सवासों को देशवासियों की आस्था आराधना और ममता का प्रतीक हूँ मैं। पर अगर ऐसा ही होता तो मैं इतनी गंदी मैली दूषियों भरी ये ना होती। मैं झरझर करती एक नदी गंगोत्री के मुंह से निकली, चंचल चित में बहती प्यासों की सदा बुझाती हूँ। पर मेरी गंगा करती मैली राय भाग्य का कैसा खेल, पर मेरी काया करती मैली राय भाग्य का कैसा खेल। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गंगा माँ, क्या कोई भी पुत्र अपनी माँ की गोद में कचरा डालता है, उसे दूषित करता है? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है मेरे प्रदूषित जल से तरह की बीमारियां हो सकती है? मैं सैलाब का इतना तांडा कर सकती हूँ जिससे पृथ्वी में विनाश विनाश और महाविनाश हो सकता है। पर नहीं 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 नहीं, मैं माँ हूँ तुम्हारी, नदी नहीं संस्कार हूँ मैं, धर्म जाति और देश का श्रृंगार हूँ मैं। पर गंगा की बात क्या करू, गंगा उदास है, पर गंगा की बात क्या करू, गंगा उदास है, वो जूझ रही कुछ से वो बदारा से, वो बदारा से नाली से तारे, नाली से तारे, नाली से तारे, नाली से तारे, खा खा के पानी देखने वाले सतारे, ऐसे मजबूर है लाचार है गंगा, ऐसे मजबूर है लाचार है गंगा, पर अपनी हैसियत से बात दूर है गंगा, अब अपनी हैसियत से बात दूर है गंगा। तो देखो भारत माता, अब तुम्हारी गंगा जैसे विलाप कर रही थी उसी तरह तुम भी हमेशा विलाप करती रह जाओगी। मैं भारत माता, गंगा मेरी आगोश में बहती है, हिमालयों पे मैं गर्व करती, सवा सौ करोड़ देशवासियों की माँ हूँ मैं, पर मेरे वीर सपूतों ने मुझे आजादी दिलाई और अपने अंग्रेजों ने मुझे बंधक बनाया। मैं कमल की तरह खिलना चाहती हूँ, सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत की ये दुर्दशा आज मेरे ही प्यारे भारतवासियों, मेरे ही प्यारे भाइयों बहनों ने गंगा और भारत को ऐसी जगह ला के छोड़ दी है। आज पूरा भारत देश इतना मैला हो गया है कि लोग जाते तक नहीं, वहाँ जाते हैं तो बस अपने गंदियों को लेके जाते हैं, जहाँ पूजा के नाम पर विसर्जित करके आ जाते हैं। सोने की चिड़िया कभी कहलाती थी भारत,
जो आज इतनी मैली हो गई है और पूरा भारत देश गंदगियों से भर गया है। क्या हुआ भारत माता, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ माता, बताइए हमें क्यों रो रही हैं? अब मेरे ना रोने की वजह ही क्या बची, जब मेरे अपने ही प्यारे भारतवासियों, मेरे अपने ही प्यारे भाइयों बहनों ने गंगा और भारत की ये दुर्दशा की। हम बचाएंगे माता, हम बचाएंगे आपको इन बुराइयों से और इन गंदगियों से। सब कुछ करें नौजवान माता की, सब कुछ करें नौजवान माता की। हम सब वीर सपूत बनकर माता का ऊंचा नाम करें, माता का ऊंचा नाम करें। तो देखा आप लोगों ने भारत माता कैसे विलाप कर रही है, कैसे रो रही है। क्या हमें भारत माता की पीड़ा दिखाई नहीं देती, या हम भारत माता की पीड़ा को देखना नहीं चाह रहे हैं? हमें लगता है कि हम सिर्फ देशभक्ति या हम सिर्फ देश की सेवा सरहद पर जाकर कर सकते हैं। क्या ये सच है? नहीं, मैं तो नहीं मानती, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या हमें अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने देश मतलब देशभक्त बनने के लिए हमें सरहद पर जाना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है तो सरहद पर जो जा न सके, सरहद पर जो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, सरहद पर जो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। जय हिंद।